खाटू श्याम की कथा। लाक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछ कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उससे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है, और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। दाढ़ी और मूंछ के साथ इस मंदिर में विराजमान है स्वयंभू बालाजी। हर साल लगता है खाटू श्याम मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदातार खाटू श्याम जी, मोरविनंदन खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी के चमत्कार, भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते।